हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से रिव्यू करते हैं स्कोडा स्लाविया के इंफोटेनमेंट सिस्टम का। स्कोडा स्लाविया हमें वायरलेस कारप्ले एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में प्रोवाइड करती है। ये मैंने अपना एप्पल फ़ोन इस पे कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स सी हमें इस इंफोटेनमेंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो शायद और मिल सकती थी और क्या क्या चीजें इसमें और बेटर हो सकती थी। स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन से इसकी। हमारे पास इसमें ऐसा लेआउट दिखता है गाड़ी में। सबसे पहले यहाँ पर रहता है हमारा कारप्ले, इसको हम और मिनिमाइज कर देते हैं। ये बताता है एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड। यहाँ पर अगर आप रेडियो चलाना चाहते हैं रेडियो चल जाएगा कारप्ले। अगर आपको यूएसबी कनेक्ट करनी है तो हमें यहाँ पर नीचे पोर्ट दिए गए हैं यूएसबी के सी टाइप, उनसे अगर आपको चलाना है तो यहाँ पर आप उनको कर सकते हैं। ये हमारा कारप्ले की डिस्प्ले है। हमें दो क्विक एक्सेस मेनू दिए हैं यहाँ पर। एक अगर हमें अपना फ़ोन कनेक्ट करना होता है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यू कैन सी ऑल द फोन्स आई कैन कनेक्ट। ऑल्सो अगर वाईफाई कनेक्ट करना है तो यहाँ से वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं। एक टाइम पर या वाईफाई चलेगा या ब्लूटूथ चलेगा, विच मीन्स या आप इसको इस गाड़ी को हॉटस्पॉट से चला सकते हैं या कारप्ले से चला सकते हैं। लेट्स गो बैक। हमारा कारप्ले यहाँ पर आ गया, एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पर आ गया, ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाते हैं हम कारप्ले पर आ जाएंगे, इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। हमारा आता है ये क्विक एक्सेस वन पैनल। क्विक एक्सेस वन में क्या होता है, हमें फीचर मिलते हैं तीन डैशबोर्ड विच यू कैन चूज मैन्युअली, मेकअप फोन कॉल, रेडियो ट्यूनर, नेविगेशन। ये इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर सीजिक के मैप्स खुल जाते हैं विच इज़ गुड। तो ये हमें मैप्स मिलते हैं स्लाविया में। वापस आते हैं रेडियो ट्यूनर हमें पता रेडियो चलाने के लिए, एंड मेकअप फोन कॉल अगर हमें कोई फ़ोन करना है या कुछ और करना है। यहाँ पर कुछ लोगों को फ़ोन करने की जरूरत नहीं होती है, उनको कुछ और व्यू चाहिए तो वो इसको टैप और होल्ड कर सकते हैं और वो कोई भी और डैशबोर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको कार डैशबोर्ड मूव करना है या फिर नेविगेशन नहीं चाहिए, आप क्विक एक्सेस टू चुनिए। अगर आपको रेडियो चलाना है या कुछ और देखना है तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस थ्री चुनिए। मैं अपना वन ही रखूँगा गाड़ी में। इसके बाद दूसरी स्क्रीन होती है हमारी। दूसरी स्क्रीन में गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, कितना पेट्रोल कंजम्पशन हुआ, कितना टाइम गाड़ी चली है, एवरेज स्पीड, ट्रिप कितनी लंबी हुई है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। व्हीकल स्टेटस में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर व्हीकल स्टेटस मिल जाएगा। टाइप का मुझे वार्निंग आई थी तो यहाँ पर मैं अपना टायर प्रेशर चेक करके मैं उन्हें सेट कर सकता हूँ कि ऑल द प्रेशर लुक मैंने सेट नहीं किया, वो मैं कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन में कोई भी नोटिफिकेशन जब गाड़ी चल रही होती है तो क्या क्या हमारे पास वार्निंग आई है, कोई टायर प्रेशर वार्निंग है, कोई और वार्निंग है, पार्किंग लाइट्स ऑन होने जरूरत है, रात हो गई है, हेडलैम्प जलाना है, तो वो सब नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर आ जाती है। लेट्स गो बैक। तो ये हमारी स्क्रीन नंबर टू हो जाती है। एंड थर्ड वन इज हमारी एप्स। स्कोडा का एक छोटा सा प्ले स्टोर अपना खुद का जिसमें स्कोडा प्ले एप्स आप इंटरनेट पर जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने गानों और सेटिंग्स डाला है, कंपनी से कोई नहीं आया था मुझे, ये दो ऐप्स मैंने डाली हैं। कुछ और ऐप्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे स्कोडा की तरफ से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे यूज़र प्रोफाइल के ऊपर। हम अपना खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं, यहाँ पर खुद का नाम रख सकते हैं, मैंने कुणाल रखा हुआ है। सिक्योरिटी पिन डाल सकते हैं, डिलीट पिन कोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और होता है वैले मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वैले मोड में क्या होता है कि अगर एक बार वैले मोड एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद वैले ने गाड़ी कैसे चलाई, उसने क्या क्या बटन दबाए, क्या क्या उसने वॉल्यूम चेंज करी, कितनी देर गाड़ी एसी में चली, कितनी देर उसकी गाड़ी हाई स्पीड पर चल रही थी, कितनी बार गाड़ी स्टार्ट हुई, कितनी बार गाड़ी ऑफ हुई, ये सारी चीज़ें हमें इस डैशबोर्ड में प्लस हमारी स्कोडा कनेक्ट की ऐप में पता लग जाता है। दिस इज द वैले फीचर वी हैव। वैले फीचर में पिन लगता है, पिन लगाइए, एंड पिन ऑब्वियसली वैले को नहीं बताएंगे हम, एंड यू कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। देन देयर कम्स द सेटिंग्स पैनल। उससे पहले ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हमारे पास यहाँ पर है। ट्रैक्शन कंट्रोल में अगर आपको ऑफ करना है आप इसको दबाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहेगा ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड। मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करता हूँ, यू विल सी ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड। तो हम यहाँ से गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल भी मैनेज कर सकते हैं।
सेटिंग्स पैनल पर आते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, सिस्टम क्विक सेटिंग, सिस्टम कार, मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशन। सबसे पहले होता है स्क्रीन ऑफ का होता है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ये स्क्रीन यहाँ पर ऑफ हो जाएगी अभी, लाइक दिस वे, स्क्रीन गॉन। दोबारा ऑन हुआ, ऑडियो में जाता हूँ, ऑडियो में हम मुझे चार तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, रॉक म्यूजिक चाहिए, पॉप चाहिए, क्लासिक चाहिए, कस्टम चाहिए। तो जैसे आपकी विश हो आप वैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड। उसके बाद भी आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, दैट इज अ कस्टम सिलेक्शन यू कैन मेक। साथ में इसके यू कैन चूज बैलेंस फेडर में क्या होता है कि आपको गाड़ी का म्यूजिक सेंटर में चाहिए, किसी इस साइड ज़्यादा चाहिए, अगर आप अकेले ड्राइव करते हैं आप यहीं पर रह सकते हैं, तो बाकी सब स्पीकर गाड़ी के बंद हो जाएंगे एंड सिर्फ यहीं का चलेगा। बेस्ट होता है इसको सेंटर में रखना सो दैट वॉल्यूम बैलेंस रहे हमारी। यहाँ पर टैप करेंगे बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, लाइट्स का ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पर, तो लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में हमारे पास दो कई सेक्शन है, इंटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइट्स, एक्सटीरियर लाइट्स एंड हमारे पास ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल, ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो इंटीरियर में क्या होता है कि हमारा इंटीरियर क्लस्टर, जो भी अंदर की गाड़ी की लाइटिंग है, एम्बियर लाइटिंग होगी, वो सब हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटीरियर में जाते हैं, हमें कमिंग होम की लाइट है वो 10 सेकंड ऑन रहनी चाहिए, 5 सेकंड रहनी चाहिए, ऑफ ही रहनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। लिविंग होम, कन्वीनियंस इंडिकेशन, क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल, बारिश आने पर क्या होता है, यहाँ पर दिस इज ऑटोमेटिक कार, तो यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है, तो जैसे ही अगर ये इसके सेंसर रेन सेंस करते हैं तो इनमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या रेन डिपेंडेंट में आपको हेडलाइट ऑन करनी है या नहीं करनी है, तो मैंने उसको ऑन रखा हुआ है, बट यहाँ से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। दीज आर द फीचर ऑन द होम स्क्रीन इन द सेटिंग पैनल। देन वैले मोड वी हैव सीन दैट, उसके ब्राइटनेस कंट्रोल भी हम यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा कितनी कम हमें रखनी है। देन स्टॉप पैनल पर ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, हमें सेटिंग में अगर कुछ सर्च करना है तो डायरेक्टली यहीं से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा दीज वर द सिस्टम सेटिंग्स, सॉरी क्विक सेटिंग्स, अभी सिस्टम सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर आता है ब्लूटूथ की सेटिंग्स, फ़ोन की सेटिंग, ऑडियो, डिस्प्ले, ये सब चीज़ यहाँ पर आती हैं, तो हम ब्लूटूथ में जाते हैं। विजिबिलिटी, ये विजिबल रहना चाहिए, हिडन रहना चाहिए, तो बेसिकली अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करवाना, आप इसको हिडन रख दीजिए, अदर विजिबल रख दीजिए आप। ब्लूटूथ नेम आप नाम रख सकते हैं, मैंने रखा स्लाविया कुनाल, दैट इज़ माई नेम। एंड डिवाइस मैनेजर, ये आपको डिवाइस मैनेजर पर ले जाएगा, विच इज़ आपका कनेक्ट करने की स्क्रीन। वापस आते हैं, उसके बाद फ़ोन कनेक्टिविटी के फीचर हैं यहाँ पर। फ़ोन कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ से क्या फ़ोन कनेक्ट करना है, विजिबिलिटी, ये सब चीज़ें हो गई। फ़ोन में आपको इंटरनल रिंगटोन्स, आपको कौन सी रिंगटोन सेलेक्ट करनी है जब आपका फ़ोन बजे, आप ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं, बिम्बन्स, क्लैपिंग, क्लासिक, क्लियर स्काई, जैसे आप कुछ हो सब उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ऑडियो में अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो ऑडियो में आपको चेक करना है कि वॉल्यूम की, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में एंटर करते हैं, किस जो वॉल्यूम होती है आपको उन्हें कंट्रोल करना है, तो स्टार्टअप वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम होनी चाहिए आपकी कितनी, नेविगेशन अनाउंसमेंट जब मैप्स भेजते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कैसी होनी चाहिए। इंटरटेनमेंट रिडक्शन पार्किंग, इसको मैं फुल किया हुआ है, मतलब जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो हमारी स्क्रीन में वॉल्यूम जो गाने बज रहे हैं वॉल्यूम कम हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होंगी। रिंगटोन वॉल्यूम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडिया वॉल्यूम, फ़ोन वॉल्यूम, तो जितनी वॉल्यूम है उन सब के लिए हमें एक अलग सेटिंग दी गई है कि कितनी आवाज़ आएगी हर एक चीज़ के लिए, मीडिया वॉल्यूम, फ़ोन वॉल्यूम, पार्किंग वॉल्यूम, उसके अलावा हमारे पास नेविगेशन वॉल्यूम, इंटरटेनमेंट रिडक्शन, ये सब चीज़ें हमारे पास स्लाविया की स्क्रीन में हमें मिल जाती हैं। हम अगर इसकी ऑडियो की बात कर लेते हैं तो हमारे बैलेंस एंड फिल्टर जो हमने चेक कर लिया है, टच स्क्रीन पे हमें साउंड चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ पे चेकबॉक्स में है, साउंड मिक्सर करके हमारे पास आता है यहाँ पर, वहीं पर वापस ले जाएगा हमें, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बैलेंस फेडर। अब चलते हैं कार सेटिंग्स की तरफ। कार सेटिंग्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सबसे टॉप पर आता है, इट इज़ एक्टिवेटेड, हम यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हैं, साथ में इसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है।
लाइट सेटिंग में हम आते हैं तो वही इंटीरियर लाइटिंग जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमें क्विक सेटिंग में दिख गया था। टाइम एंड डेट हमें इसका डेट एंड टाइम सेट करना है। 24 आवर्स चाहिए आपको, 12 आवर्स का चाहिए। और टाइम सोर्स क्या चाहिए, मैनुअल या ऑटोमेटिक। मैनुअल में आप खुद टाइम सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक में आपके ये मोबाइल जैसे कनेक्ट होगा या वाईफाई कनेक्ट होगा उससे ले लेगा। टाइम जोन आपको कौन सा चाहिए, 5 आवर्स 30 मिनट विच इज़ इंडिया टाइम जोन। आपको किसी और कंट्री का चाहिए वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट मेरा यहाँ पर DDMM वाईवाई फॉर्मेट का है। मीडिया में आएंगे, वही हमें ऑडियो जो हमने क्विक सेटिंग्स में देखा था, ऑडियो में जाएंगे, हमारे पास स्टार्टअप वॉल्यूम ये सब यहाँ पर हमें मिल जाएगा, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम। उसके अलावा ब्लूटूथ में जाएंगे तो ब्लूटूथ की विजिबिलिटी जो हमने होम स्क्रीन में देखा था। ऐप्स पर आएंगे, सो ऐप्स के ऑर्डर कैसा होना चाहिए हमारे स्क्रीन में वो यहाँ डिसाइड कर सकते हैं हम। इट्स अल्फाबेटिक और इंस्टॉलेशन डेट। अल्फाबेटिक इज ऑलवेज गुड, दैट आई हैव चोजन ओवर हियर। ऐप्स मैनेजमेंट, ऐप्स मैनेजमेंट हमें हमारी ऐप्स दिखाएगा जो जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। गाना है मेरे पास, सिजिक है मेरे पास, 21 SBI। अगर कोई हमें कोई मैसेज आता है तो उसको हम रीड कर सकते हैं, तो हमें ये ऐसे यहाँ पर बता सकता है, रीड करेगा। अगर हम उसको रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करेगा, इसे हम डिसाइड कर सकते हैं। रिप्लाई करना है मैं यहाँ क्लिक करूंगा, स्किप करना है मैं यहाँ स्किप कर दूंगा, एंड फिनिश यहाँ पर उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्स मैनेजमेंट में वापस आते हैं एप्स मैनेजमेंट पे। तो गाना हमारी ऐप है तो उसको अनइंस्टॉल करना है, कैशे क्लीन करना है, क्लियर डेटा, फोर्स स्टॉप, परमिशन, जो जो फीचर हमारे पास एक मोबाइल में या टैबलेट में रहते हैं ऐप्स के, वो सब फीचर यहाँ पर हैं। सीजिक में जाएंगे सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। उसके अलावा वाईफाई में अगर हमें वाईफाई कनेक्ट करना है, यहाँ जाएंगे वाईफाई कनेक्ट हम कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ भी टैप कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्टली यहाँ भी टैप कर सकते हैं तो सेम वाईफाई स्क्रीन हमें कॉल कर दिखा देगा। बात करते हैं नोटिफिकेशन की, गाड़ी में अगर भी नोटिफिकेशन होगी तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये गाड़ी के मेन फीचर है या सेटिंग्स हैं अभी तक। अब हम बात करते हैं इसके कापले की। कापले में भी हमें तो कापले में हमें ऐसी कुछ स्क्रीन मिल जाती है, दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ अ कापले। कुछ म्यूजिक चलाना है, कुछ डायरेक्शन में नेविगेट करना है या फिर कुछ वॉइस कमांड देनी है, हम यहाँ से दे सकते हैं। डायरेक्टली हमें हमारी एप्स जो मेरे मोबाइल से गाना की ऐप आ रही है, नेविगेशन, मैसेजेस और बैटरी, हमारा इंटरनेट, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में हम यहाँ पर अगर व्यू चेंज करना है, हमें ऐप्स देखनी है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐप्स हमें दिख जाएंगी जो जो हमारे सिस्टम में है। वापस जाते हैं, जरूरी यहाँ क्लिक करना है, आप डायरेक्टली भी यहाँ से जा सकते हैं। जितनी भी एप्पल कारप्ले की ऐप्स होंगी वो आपको यहाँ देखने स्टार्ट हो जाएंगी। व्हाट्सएप है, यूट्यूब म्यूजिक है, गाना, कैलेंडर, सेटिंग्स है, आपकी मीटिंग्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीजें आप कापले में कर सकते हैं। ये सब हमारा एप्पल कारप्ले का फीचर है। म्यूजिक में जाएंगे, बात करेंगे तो अपने म्यूजिक स्क्रीन भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बड़ा कर सकते हैं, अगर हमारा कोई स्पेसिफिक ऐप पर चल रहा है तो यहाँ पर स्क्रीन फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। वीडियो नहीं आ रही ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन होती है तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ। कुछ आफ्टर मार्केट कंपनीज आपको देती हैं, बट नॉट अ गुड आइडिया। म्यूजिक टिल म्यूजिक इट इज गुड, ये हमारे पास सिस्टम में रहता है। यहाँ पर ये ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्कोडा का हमारा ऐप शो दिया हुआ है, एंड दिस इज द वॉल्यूम बटन। वॉल्यूम बढ़ाना कम करना हम यहाँ से कर सकते हैं, जो ये कंट्रोल हमारे स्टेयरिंग पर भी दिया हुआ है। पर ये थी हमारी एक डिटेल वीडियो पूरे हमारे स्कोडा स्लाविया 1.0 स्टाइल वेरियंट का इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंपनी फिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।